नमस्कार सख्यू न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आपने अभी 2 दिन पहले श्रीनगर की सड़कों पर मुहर्रम के जुलूस के दृश्य देखे होंगे। अब कश्मीर में मुहर्रम का पारंपरिक जुलूस डल झील के अंदरूनी इलाकों में शिकारा में निकाला गया। कश्मीर में लोगों का समूह सबसे पहले रैनावाड़ी में इकट्ठा हुआ और उसके बाद शिकारा में सवार होकर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक यात्रा की। इस अनोखी शिकारा रैली को देखने के लिए डल झील के आसपास लोगों की काफ़ी भीड़ जमा थी। प्रभा साक्षी से बातचीत में लोगों ने कहा कि यह एक पारंपरिक जुलूस है जिसका इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है। लोगों ने बताया कि मूल रूप से डोगरा शासन के समय इसकी शुरुआत हुई थी। लोगों ने इस रैली को निकालने की अनुमति देने के लिए प्रशासन का शुक्रिया भी अदा किया। रैली के दौरान देखा गया कि आसपास के लोग सुबह ही इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। खासकर युवकों का उत्साह देखते बन रहा था। डल झील के आसपास सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त थे। रैली शांतिपूर्वक समाप्त होने से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। हम आपको यह भी बता दें कि श्रीनगर में करीब 3 दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद मुहर्रम के जुलूस निकल रहे हैं। गुरुवार को भी शिया समुदाय ने गुरु बाजार से डल गेट मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुहर्रम जुलूस निकाला था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया था। आज भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग अपने धार्मिक रिवाजों को निभा रहे हैं। बहरहाल आइए देखते हैं डल झील में निकले जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं। मेरा नाम एजाज हुसैन है, मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ। ये जो जुलूस निकल रहा है ये 100 साल से ज़्यादा टाइम से निकल रहा है ऑन द नेम ऑफ मार्टियर्स ऑफ करबला। सो यहाँ पे तकरीबन हज़ारों में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लबैक या हुसैन के साथ निकल रहे हैं। तो हुसैन की याद में ये हर साल में ये दिन मनाया जा रहा है। जुलूस है ये मीर बहरी डल में निकलता है, इसको टिन मोहल्ला बोलते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसका एक यूनिक पॉइंट जो ये है, जो आपने देखा है, ये कश्तियों में निकलता है। ये यहाँ से कश्तियों में निकल के हमारा जो डल में ही रोड है जो आज मैग्नमाइज है, ये पुराने ज़माने में एक कच्चा सा रोड था, छोटा सा रोड था, तो वहाँ कानी कच्ची रोड तक ये जाता है इन्हीं कश्तियों में, जो यहाँ के 10-15 मिनट्स इसमें राइड करके आप चले जाएंगे। तो वहाँ से फिर ये रोड पे जाता है, तो वहाँ पे दायरे होते हैं हुसैनी दायरे, तो ये इख्तिताम होता है इमाम बारा का हसनाबाद में। तो हमारे एल्डर्स ने हमें बताया है और जो रिकॉर्ड्स में है, मोर देन 183 इयर्स की इसकी हिस्ट्री है और हमेशा से इसका यही रूट रहा है। ये कश्ती में ही निकलता था और आज भी ये कश्ती में निकलता है, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आज जो डिफरेंट कम्युनिकेशंस के सोर्सेज है, उसकी वजह से आज दुनिया ने इसको देखा है। अदरवाइज़ ये इसमें हमारी लोकल जो डल के लोग हैं उसको पार्टिसिपेट करते थे और इख्तिताम इसको करते थे इमाम बारगाह हसनाबाद में। जब से मैं जन्मा हूँ मैं तब से देख रहा हूँ हर नवे मुहर्रम को ये जुलूस निकलता है। यहाँ से जाता है कैन कच्ची से जाता है हसनाबाद में ये इख्तिताम को होता है 12:30 बजे तक। हज़ारों लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। अभी यहाँ पे थोड़े ही है, मानो 1000-2000 यहाँ पे, तकरीबन 50,000 से ऊपर होगा जब कानकची पहुँचेंगे, तकरीबन 35-40 जुलूस होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके।